व्यवस्था करो भैया, एक दिन में पूरे ग्रामीण में गड्ढे खोल दो, कहां लाइट मिल जाएगी। कलेक्ट्रेट कार्यालय में खड़े ये गोल बाजार पटाखा व्यापारी जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए फरमान से नाराज हैं। जिला प्रशासन ने पटाखा दुकान बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिससे गोल बाजार पटाखा व्यापारियों की चिंताएं बढ़ गई हैं। व्यापारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए दो दिनों की मोहलत की मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि जब दुकानें बंद करवानी ही थी तो 15 दिनों पहले उनके लाइसेंस क्यों जमा करवाए गए, अब वे इतने सारे पटाखे और बारूद लेकर कहां जाएं? व्यापारियों ने आगे बताया कि उन्होंने पूंजी फंसाकर पटाखे की दुकान सजाई है और अब प्रशासन पटाखे की दुकानों पर प्रतिबंध लगा रही है, जिससे व्यापारी काफी परेशान है। हम ये चाहते हैं कि वो दो दिन की मोहलत दी जाए, जिससे हम अपना व्यापार कर लें। ऐसी स्थिति है कि हम लोग घर में जो माल रखा है, अगर हमारी दुकानें बंद है तो माल घर पे भी नहीं रख सकते, घर में रहने की जगह तो माल कहाँ रखेंगे, माल तो घर पे रखे कैसे सोएंगे हम लोग। हमको ये चिंता सता रही है, समस्या ये आ रही है भाई, प्रशासन इतनी उम्मीद है कि वो दो दिन की मोहलत देते हमको बस, और जाना का आदेश आया होगा तो हमारी दुकानें सभी दुकानें बंद करनी पड़ रही है हम लोगों को। आज हमने कैसे भी कर्जे करके कहाँ से माल लेकर के आया हुआ है, और आज ऐसी स्थिति बोले दुकान बंद कर दो, हम ये बारूद रखे हैं कहाँ पर, ये भी चिंता सता रही है हम लोगों को आज। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल इंडिया।